स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों, हमारे पिछले कई वीडियो में हमने आपको फिश फीड कैसे बनाते हैं, फिश फीड प्लांट में कैसे बनता है, फ्लोटिंग फिश फीड की रेसिपी क्या होती है, फ्लोटिंग फिश फीड के साइजेस क्या होते हैं, फ्लोटिंग फिश फीड कितने तरह का होता है और कितने तरह के फिश को फ्लोटिंग फिश फीड दिया जा सकता है, ऐसे नाना तरह के क्वेश्चंस पे हमने कई वीडियो बना करके आपको पोस्ट किए हैं, जो आपने देखे हैं, लाइक किए हैं और हमें बड़ा स्नेह दिया है। उसी क्रम में आज हम आपको एक 500 केजी पर आवर का ऑटोमेटिक प्लांट का हम आपको पूरा रनिंग में पूरा प्लांट दिखाएंगे। आप उस प्लांट को देख करके अपनी जो क्वेरीज हैं उनके समाधान पा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको फ्लोटिंग फिश फीड से रिलेटेड जो मेन बातें हैं वो दोबारा दोहराना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज से लगभग 3 महीने बाद यानी कि फरवरी में वापस से नया कल्चर चालू होने जा रहा है, यानी कि फ़िश कल्चर चालू होने जा रहा है और इसी क्रम में जब आप फिश को ग्रो करेंगे तो आपको फ़िश फीड की आवश्यकता होगी। और फिश फीड, जैसा कि आप सब फार्मर लोग फिश फीड को बड़ी बड़ी कंपनी से ले रहे हैं जो कि अच्छे खासे मार्जिन पे आपको फीड बेच रहे हैं, इससे आपकी फीड की लागत जो है काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है और प्रॉफिट रेशियो आपका कम हो रहा है। तो दोस्तों, हमने अपने कई वीडियोस में बताया आपको कि अगर आप स्वयं से फिश फीड की फैक्ट्री डालते हैं, छोटा बड़ा कैसा भी प्लांट डालते हैं, तो आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं फीड बनाने में। आपको किसी के आगे अपने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, कोई एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार किया हुआ आपके इन्वेस्टमेंट से आप हमेशा से फीड बनाने में, फिश फीड बनाने में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर ऐसे क्या कारण है कि बड़ी कंपनी से आने वाला फीड महंगा है और क्या कारण है कि हम अपनी फैक्ट्री में सस्ता बना सकते हैं? तो इसको अगर आप दूसरे नज़र से देखा जाए तो अभी हिंदुस्तान में जो बड़ी फैक्ट्रीज जो कि फ्लोटिंग फिश फीड को बना रही हैं वो मोस्टली साउथ में है या छत्तीसगढ़ के अपर पार्ट में है, और जो कंजप्शन सबसे ज़्यादा आ रहा है वो आ रहा है यूपी और बिहार में, या बंगाल की बात करें या अपन असम की बात करें, हरियाणा की बात करें, और इस साइड से अगर हम ऊपर चलते तो हम काफ़ी मात्रा में फ्लोटिंग फिश फीड की रिक्वायरमेंट आ रही है। तो हमें अगर अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो हमें इन प्लांट के जो डीलर हैं जो आपके गाँव में शहर में बैठे होंगे आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो फ्लोटिंग फिश फीड फैक्ट्री भी अपना अपने एक मार्जिन लेके चलती है, अमूमन एक फैक्ट्री 15-20% का मार्जिन खुद लेके चलती है। तो सबसे ज़्यादा फीड आंध्रा से आता है आपके यहाँ पर पहुँचते, मैं अमूमन मान के चलो यूपी बिहार में किसी भी कोने पर जाएगा तो 4 से 5 रुपये उस पर किलो पर ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा या डीलर के पास जाएगा, डीलर से अपना 1-2 रुपये का मार्जिन रखेगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर जो होलसेलर आपके गाँव का होगा वो फिर 1-2 रुपये का मार्जिन रखेगा, यानी कि अमूमन आपके पास आते आते एक फीड पे किलो पे 8 से 10 रुपये किलो का मार्जिन वो आपका बीज का ऐड हो जाता है, और वो चीज़ आपको इस तरह से 8 से 10 रुपये किलो चीज़ महंगी मिलती है। यानी कि जो 28-5 का जो सबसे चलने वाला, ज़्यादा चलने वाला जो फीड है जो अमूमन किसी भी फैक्ट्री के अंदर 30 रुपये से लेकर 32 रुपये बन सकता है, वो फीड आपको 43 से लेकर के 45 रुपीज़ पर केजी और समटाइम किसी बड़ी कंपनी से आपको 47-48 रुपीज़ पर केजी तक भी मिल रहा है। तो दोस्तों, आप लोग एक अपनी इनकम का बहुत बड़ा मार्जिन ट्रांसपोर्टेशन के जरिए बड़ी बड़ी कंपनीज को पे कर रहे हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि फार्मर या छोटे उद्यमी अपने लेवल पे फिश फीड प्लांट लगाएं और इस फिश फीड प्लांट से बने हुए फीड को अपने आसपास के लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को माइनस करते हुए सर्कुलेट करें, यकीनन वो अपना मार्जिन रखें, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है या डिस्ट्रीब्यूटर का जो मार्जिन है उसको रिड्यूस करते हुए डायरेक्टली सेल करें। तो हमारे बड़े व्यवसायी, छोटे व्यवसायी, साथ ही हमारे जो फार्मर हैं वो एंड तक सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानें कि आखिरकार फ्लोटिंग फिश फीड बनाने के लिए जो हमारी लागत क्या आती है। तो चलिए हम एक समझते हैं कि हमारे जो फ्लोटिंग फिश फीड है, हमारे एक सीज़न में जब फिश को हम ग्रो करते हैं, कल्चर में डालते हैं, जब वो छोटी होती है, फिंगरलिंग टाइप की होती है, तो उस समय पर हमको 1 mm का फीड लगता है। जब थोड़ी बड़ी होती है यानी कि मार्च के आसपास हमको 1.5 mm 2 mm का फीड लगता है, उसके बाद अप्रैल में हमको 3 mm का फीड लगता है, और अप्रैल ऑनवर्ड टिल नवंबर जब तक हम उसको कल्चर को बाहर निकालते हैं तब तक हमको 4 mm का या 5 mm का फीड लगता है। जब हम 1 mm का फीड डाल रहे हैं और 4 mm का फीड डाल रहे हैं, इस पूरे दौरान में हमारी फीड की कॉस्ट जो है वो 82 रुपीज़ पर केजी से लेकर के 48 रुपीज़ पर केजी में वेरी कर रही है। ये वो कॉस्ट है जो हम कंपनीज को दे रहे हैं। अब हम आते हैं इस सीज़न में सबसे ज़्यादा लगने वाले फीड
28.5 यानी कि 28 प्रोटीन 5 फैट के फीड की कैलकुलेशन पर आते हैं। तो 28 फीड का जो प्रोटीन का जो फीड है, तो अमूमन हमारी कैलकुलेशन में एक थंब रूल चलता है कि अगर आपको एक प्रोटीन बनाना है तो उसके लिए 1 रुपया खर्च होता है। यानी कि अगर आपको 28 प्रोटीन बनाना है तो उसके लिए आपको 28 रुपये रॉ मटेरियल पर खर्च होंगे। उसके अलावा आपको प्लांट के अंदर लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, कन्वर्जन, इन सबको मिला करके 4 रुपये का खर्चा आता है। यानी कि 28+4 यानी 32 रुपये का फीड हो गया। अगर आप उसको पैक करना चाहते हैं बैग के अंदर तो आपको 75 पैसे से लेकर के 1 रुपये का खर्चा आता है। यानी कि 33 रुपये में आप भली भांति फीड बना सकते हैं। अगर आप स्वयं यूज कर रहे हैं तो आप 32 रुपये बना लेंगे, और अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो 33 रुपीज़ पर केजी में आप आराम से फीड को अपने फैक्ट्री में बना सकते हैं। लेकिन यही फीड फिर आपको मार्केट में जो है 43 रुपये का अवेलेबल है। तो आप इस फीड को आसानी से 38 रुपये 39 रुपये में डायरेक्ट फार्मर को बेच सकते हैं। और अगर आप खुद छोटी मशीन लगा के प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ये देख लीजिए 8 से 10 रुपये का सीधा सीधा सेविंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक जो समझने की बात है कि जैसा मैंने आपको कहा कि एक प्रोटीन को 1 रुपया लगता है, इसका कारण बताता हूँ। हम अगर फिश फीड की बात करें तो फिश फीड में रेसिपी में हमारा सबसे जो लगने वाले जो घटक है वो है वीट फ्लोर हो गया हमारा, इसके अलावा मक्का हो गया, उसके बाद सोया DOC, मस्टर्ड DOC, DORB, DDGS, राइस ब्रान, राइस पॉलिश, फिश मील, फिश ऑयल। इस तरह से 8 से 10 कंपोनेंट से हम लोग फिश फीड बना सकते हैं। अब आप एग्जांपल के तौर पर मान के चलें कि अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं आज की डेट में 22 रुपये किलो आ रहा है और उसके अंदर प्रोटीन होता है 11, यानी कि 1 रुपये खर्च करके हमको आधा प्रोटीन मिल रहा है। अब हम बात करें मक्का की, तो लगभग मक्का में भी यही है, 11 प्रोटीन है उसके अंदर मक्का के अंदर, और उसके लिए हमको 22 रुपये खर्च करना पड़ रहा है, यानी कि 1 रुपया खर्च करके हमको आधा प्रोटीन मिल रहा है। लेकिन अब बात करें हम लोग सोयाबीन की या सोया DOC की, तो वहाँ पर हम लोग 42 रुपये की मक्का सोया DOC आ रही है और 45 प्रोटीन मिल रहा है, यानी कि 1 रुपया खर्च करके हमको 1.25 प्रोटीन मिल रहा है। इसी तरह से मस्टर्ड की DOC के अंदर 19 रुपये की मस्टर्ड DOC आ रही है और उससे हमको 36 या 38 प्रोटीन मिलता है, यानी 1 रुपये खर्च करके 2 प्रोटीन मिलते हैं। तो अगर हम सारे कंपोनेंट का 1-to-1 कंपेरिजन देखते हैं, इसके बाद जैसे DORB है, 11 प्रोटीन है, रेट उसकी 11 यानी कि 1 रुपये में 1 प्रोटीन मिल गया। आपको पता है कि फीड के अंदर सबसे ज़्यादा DORB डलता है, लगभग 30 से 35% DORB डलता है, 1 रुपये में 1 प्रोटीन मिल जाता है। तो इस तरह से हम एवरेज निकालते हैं तो हमारे सारे घटक से हमको 1 रुपये पे 1 प्रोटीन का कॉस्ट आता है। यानी कि अगर हम 20 प्रोटीन का फीड बनाना चाहते हैं तो हमें 20 रुपये रॉ मटेरियल पर खर्च करने होंगे, 40 प्रोटीन का बनाना चाहते हैं तो 40 रुपये खर्च करने होंगे, और प्लांट की प्रोडक्शन कॉस्ट है वो अलग अलग होती है। मसलन कि अगर 4 mm का या 5 mm का फीड बनाना चाहते हैं तो 4 रुपये पर केजी है, 3 mm का फीड बनाना चाहते हैं तो 5 रुपये पर केजी है, 2 mm का फीड बनाना चाहते हैं तो 7 से 8 रुपये पर केजी है, और 1 mm का या 1.5 mm का फीड बनाना चाहते हैं तो 9 से 10-11 रुपये पर केजी फीड की कॉस्ट आती है, कन्वर्जन कॉस्ट आती है। इसमें आपका ऑपरेशनल में लेबर आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, और बाकी जो डिफरेंट खर्चे होते हैं, बैग के खर्चे या आपका स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन, सारा खर्चा आ गया। तो अगर हम बात करें 40 प्रोटीन का, अगर हमको 1 mm का दाना बनाना है तो हमको 40+9 करना होगा, अगर हम 40 प्रोटीन का 4 mm का दाना बनाना है तो हमको 40+4 करना होगा, यानी कि 40 प्रोटीन का 4 mm का दाना हमको 44 रुपये का पड़ेगा और 40 प्रोटीन का 1 mm का दाना हमको 49-50 रुपये का पड़ेगा। ये हमारा फ़र्क हो गया दोस्तों। इस कैलकुलेशन से आप अपने प्लांट में आने वाली फीड की कॉस्ट को आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, जो मैंने रॉ मटेरियल आपको बताया, ये रॉ मटेरियल आपके लोकेशन के हिसाब से भी वेरी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं रॉ मटेरियल से बनाएं। मसलन के वीट आप डाल सकते हैं, अगर आपको वीट नहीं है तो आप इससे राइस की प्लानिंग कर सकते हैं, अगर राइस नहीं है आप मेज की प्लानिंग कर सकते हैं, DORB नहीं है आप राइस ब्रांड डाल सकते हैं, राइस पॉलिश डाल सकते हैं, मस्टर्ड DOC, सोया DOC मस्ट है, ये डालना ही डालना है। कई इलाके में हमारे जहाँ सोया DOC महंगी पहुँच रही है वहाँ पर लोग मील का मॉर्नमील डाल रहे हैं, लिक मील डाल रहे हैं। तो आप कई तरह से अपने फीड में प्रोटीन को बैलेंसिंग कर सकते हैं, अलग अलग रॉ मटेरियल से ट्राई करके बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो इस पूरे जो समरी है, अभी हमने डिस्कशन किया, ये समरी आई कि एक प्रोटीन को 1 रुपया लगता है और उसके बाद क्रमशः आप 4 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये और 9 रुपये, ये आप प्रोडक्शन कॉस्ट मान लीजिए 4 mm, 3 mm, 2 mm और 1 mm की। तो इस तरह से आप आसानी से मैक्सिमम 50 रुपीज़ के अंदर आप 40 प्रोटीन का और 1 mm का दाना बना सकते हैं। लेकिन यही दाना आपको मार्केट में रिटेलर से और डिस्ट्रीब्यूटर डीलर के नेटवर्क से आता है,
ये आपको पास 80 रुपीज़, 82 रुपीज़, 78 रुपीज़, 75, 67 इस तरह से आता है, अच्छा खासा मार्जिन रेट होकर आता है, और आपको खिलाना तो मछली को ही है। तो इस तरह से आपका जो फीड है वो महंगा हो जाता है, और जब हम बात करते हैं फीड कन्वर्जन रेशो की तो इसका पूरा हिसाब आपका गड़बड़ा जाता है। दोस्तों हमारा अमूमन एक किसान जो है 203 रुपये का फिंगरलिंग लेकर आता है, और अगर हम 1.4 एवरेज एफसीआर की बात भी करें तो अगर हम मान के चले कि एक किलो फीड की कॉस्ट 35 रुपये है, तो हमारा जो फीड की 1.4 एफसीआर से कॉस्ट आई वो आई 35 × 1.4, यानी कि लगभग 49-50 रुपये के आसपास आई, यानी कि 50 रुपये, और फिंगरलिंग की कॉस्ट 3 रुपये हो गई, 53 रुपीज़, और एवरेज अगर हम अदर खर्चे भी मान लें मैनेजमेंट के, ट्रैवलिंग के, तो हम मान के चलें कि अगर हम 55 से 60 रुपये में भी अगर हमारा प्रोडक्शन पूरा हो जाता है, यानी कि हमारा जो फिंगरलिंग है वो 1 किलो का हो जाता है, तो हम लोग 60 रुपये खर्च करके 115 रुपये में फिश को बेच रहे हैं, यानी कि आप आसानी से 30 से 40% का मार्जिन इसमें कमा सकते हैं। लेकिन ये सारा तभी संभव है जब अपनी फीड की कैलकुलेशंस को, फीड की प्लानिंग को आप स्वयं से करें, यानी कि आप अभी भी फीड खरीद रहे हैं तब भी मार्जिन कमा रहे हैं, लेकिन अगर फीड खुद से बना लेते हैं तो आपको मार्जिन आपके काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। इस मार्जिन से आप अगला कोई पालाब ले सकते हैं, या अगले फिंगरलिंग, या अगले क्रॉप को प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मार्जिन निकालना आपके हाथ में ही है। हाँ, कई बार हमारे मन में आता होगा कि हम तो फार्मर हैं, हम कैसे मशीन चलाएंगे। तो दोस्तों आप चाहें तो इस तरह की मशीन को देखने के लिए आप हमारी फैक्ट्री पर आ सकते हैं, हमारी कोई भी फैक्ट्री पर आप आकर के इस मशीन का ट्रायल ले सकते हैं, या अपने नियर बाय एरिया में अगर हमने किसी को मशीन दिए वहाँ जाके देख सकते हैं। ये मशीन चलाना बहुत ही आसान है, इन मशीन को चलाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बढ़िया से अपने एरिया के अंदर रॉ मटेरियल सर्च करना है, सस्ते से सस्ता रॉ मटेरियल सर्च करना है, और उसको बाद हमारे बताई हुई रेसिपी के हिसाब से आपको मशीन को चलाना है। दोस्तों ये पूरा एक समरी हुआ कि आखिर हमको फिश फीड प्लांट क्यों लगाना चाहिए। ये सारा मकसद हमारा बताने का यही है क्योंकि आने वाले 3 महीने के बाद यानी कि फरवरी से हमारा फिश फीड का नया कल्चर चालू होने जा रहा है, नया सीज़न चालू होने जा रहा है, और हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई आगे बढ़ करके इस तरह के प्लांट को लगाएं और अपने फीड पर लगने वाली लागत को कम से कम करके सेविंग करें, और सेविंग को आप इन्वेस्ट करें अगले किसी प्लानिंग में। अब दोस्तों ये सारी तो बात हुई फिश फीड की रिलेटेड बात हुई कि फिश फीड आखिर हम लोग किस तरह से बना रहे हैं, क्या रेसिपी से बना रहा है, और कैसे सेविंग कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार इसको प्लांट में बनाने के स्टेप्स क्या है। तो दोस्तों प्लांट में बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो मैंने 8-9 तरह के रॉ मटेरियल आपको बताए, मसलन के व्हीट फ्लार, मेज, राइस, DORB, DDGS, राइस ब्रान, राइस पॉलिश, सोया डीओसी, मस्टर्ड डीओसी, फिश मील, फिश ऑयल, और आप अगर इसको अदर कंपोनेंट में जाते हैं, नॉनवेज कंपोनेंट में जाते हैं, तो मील कम बॉन मील, मिट मील, ब्लड मील, ये प्लानिंग कर सकते हैं। इन सबको आपको एज पर रेसिपी मिक्स करना है, यानी कि अगर आपको 28 प्रोटीन का फीड बनाना है तो आपको 28 प्रोटीन की रेसिपी सबसे पहले रॉ रूप में मिक्स करनी है। उसके बाद आपको इसको कोर्स ग्राइंडर में ले जाना है, यानी कि वो ग्राइंडर जो कि इसको मोटा मोटे पीस दे, यहाँ पर आपकी 60-70% इसकी पिसाई हो जाए, और 30-20% के आसपास पर तेल निकलती है, उसको हम छान करके दूसरी एक फाइन मिल से पीस लेते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार में पूरा पीसने की कोशिश करेंगे तो प्रोटीन ख़त्म होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम ये प्रेफर करते हैं कि आप पहले एक बार कोर्स ग्राइंडिंग करें, मोटी ग्राइंडिंग करें, उसके बाद उसको छान करके सीवर मशीन से आप फाइन ग्राइंडिंग करें। तो सीवर, कोर्स ग्राइंडिंग और फाइन ग्राइंडिंग, इन सब के सेट से हम लोग इसको पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। जो पाउडर हमारा होता है जो इन सब रॉ मटेरियल के मिक्स से बनता है, वो 4 mm दाना बनाने के लिए, 5 mm दाना बनाने के लिए लगभग 40 mm का होता है। अगर हमको 3 mm का दाना बनाना है तो 42 mm का, 2 mm का दाना बनाना है तो 50 mm का, और अगर हमको 1 mm का दाना बनाना है तो 55 से 60 mm का दाना पाउडर होता है। उससे हम लोग आसानी से हम 1 से लेकर के 4 mm तक का फीड बना सकते हैं। यहाँ से जो ग्राइंडिंग से प्रोडक्ट आएगा, इस प्रोडक्ट को आपको ले जाना है मिक्सर मशीन में। मिक्सर मशीन में आपको इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं, और जितने तरह के मिनरल्स या मेडिसिन आपको मिक्स करनी है फिश से रिलेटेड, वो आप आसानी से उसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ मिक्सर मशीन से निकले हुए प्रोडक्ट को आप 15 मिनट तक मिक्स करने के बाद में सीधे ले जाएंगे एक्सट्रूडर पर। एक्सट्रूडर में आपके पास ऑप्शन दो हैं, सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर या डबल स्क्रू एक्सट्रूडर। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये एक डबल स्क्रू एक्सट्रूडर है, क्योंकि इसमें आगे जो है डबल स्क्रू रहेंगे, और एक दूसरा होता है सिंगल स्क्रू, जिसमें आपको सिंगल स्क्रू मिलेगा। दोनों का पर्पज़ अलग अलग है। अगर आप फीड सेल के लिए बना रहे हैं तो आप ट्विन स्क्रू पर जाइए, डबल स्क्रू पर जाइए, और स्वयं के यूज के लिए बना रहे हैं तो सिंगल स्क्रू पर जाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेल करना है तो सिंगल स्क्रू से नहीं बनेगा, लेकिन अगर हाँ आपको बड़ी बड़ी कंपनी से आने वाले प्रोडक्ट को, क्वालिटी को मैच करना है, तो आपको ट्विन स्क्रू पर जाना चाहिए। इस एक्सट्रूडर के अंदर आप
जैसे ही पाउडर को फिट करेंगे, ये पाउडर जो आपका है ये पैलेट में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। यहाँ से बनने वाले पैलेट में आपको लगभग लगभग 17 से 18% मॉइस्चर मिलेगी, यानी कि नमी मिलेगी। इस नमी को दूर करने के लिए आपको इस प्रोडक्ट को ले जाना पड़ेगा ड्रायर में। ड्रायर में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रिकल हीटिंग होती है या वुडन हीटिंग है या स्टीम से हमारा हीटिंग हो रहा है या थर्मल हीटिंग हो रहा है। तो हम लोग 3-4 तरीके से उसके अंदर हीट दे सकते हैं और वहाँ से हम अपने प्रोडक्ट की जो मॉइस्चर है उसको 10 से 12% सेट करते हैं। अब यहाँ से निकलने वाला जो प्रोडक्ट है थोड़ा गर्म होता है, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म होता है। इस प्रोडक्ट को हम लोग फिर ले जाते हैं कूलर में, जहाँ हम लोग इसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद में इसके ऊपर हम लोग ऑयल की कोटिंग करते हैं, राइस ब्रान ऑयल, फिश ऑयल की कोटिंग करते हैं, और इससे जो फीड है वो हमारा एडिजिव हो जाता है, यानी कि फिश जो उसको एडिजिव हो जाती है, फिश उसको लाइक करती है। तो इस तरह से 5-7 स्टेप से हम लोग अगर 1-2 फॉलो करते हैं, इसमें पहला हो गया रॉ मटेरियल मिक्सिंग, 7 हो गया कोर्स फाइन ग्राइंडिंग एंड सीविंग, 3rd हो गया मिक्सिंग, 4th हो गया एक्सट्रूजन, 5th हो गया ड्राइंग, 6th हो गया कूलिंग एंड 7th हो गया आपका फ्लेवरिंग या कूटिंग। इसके बाद हम इसको फीड को आसानी से 35 किलो या 20 किलो के पैक में पैक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से 5-7 स्टेप को पार करके हम लोग जो है एक फीड को आसानी से अपनी फैक्ट्री बना सकते हैं। अब हम दोस्तों लाइव चलेंगे हमारे प्लांट में, जहाँ हम लोग 500 KG का प्लांट जो कि मैनुअल कम सेमी ऑटोमेटिक प्लांट है वो चल रहा है, उसको हम 1-to-1 सारे कंपनियों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी जो क्वेरीज है हम उनको सॉल्व कर सकें। तो लेट्स गो टू द प्लांट डायरेक्टली। दोस्तों हम पहुंच गए प्लांट में, आप जैसे कि मेरे पीछे पूरा देख सकते हैं, ये 500 KG का पर आवर का ट्विन स्क्रू बेस्ड ऑटोमेटिक फ्लोटिंग फिश फीड मेकिंग प्लांट है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये एक ट्विन स्क्रू एक्सपोर्टर चल रहा है। हम इसको ट्विन स्क्रू एक्सपोर्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर डबल स्क्रू है। आप ये देख रहे हैं ये प्लांट मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है, यानी इसका ग्राइंडिंग मिक्सिंग अलग है और उसके बाद में यहाँ पर एक्सपोर्टर में फीडिंग करके यहाँ से ये हम लोग डायरेक्ट दाने को जो है पूरा ऑटोमेटिक तरीके से, आप देखिए दाना वहाँ तक निकल रहा है, वो ग्रेडर तक दाना पूरा पहुँच रहा है फ्लेवरिंग होकर के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो हमारे प्लांट का स्टेप रहता है वो है उसका ग्राइंडिंग, यानी कि रॉ मटेरियल मिक्सिंग करने के बाद में हमें इसको पीसना होता है, और पीस करके मिक्सिंग, एक्सट्रूजन, ड्राइंग, फ्लेवरिंग, कूलिंग, ये हमारा 7 स्टेप्स में हम चाहें तो सेमी ऑटोमेटिक प्लांट, ऑटोमेटिक प्लांट या मैनुअल प्लांट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ग्राइंडिंग की तरफ और देखते हैं ग्राइंडिंग सेक्शन कहाँ पर है, आइए। तो दोस्तों हम प्लांट में हैं, ये प्लांट का ग्राइंडिंग सेक्शन है, आप जैसे देख सकते हैं ये इस पूरे जो मैंने बताया था आपको कोर्स ग्राइंडर है, जो कि मोटा मोटी रॉ मटेरियल मिक्सिंग के बाद आप वो देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम रॉ मटेरियल डाल रहे हैं। ये ग्राइंडिंग के ऊपर वर्म लगा हुआ है, इस वर्म से हम लोग फीडिंग कर रहे हैं, और ये हमारा ये जो आप कैमरे में देख रहे हैं ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से कोर्स ग्राइंडर में आएगा, कोर्स ग्राइंडर में मटेरियल को पीसने के बाद में ये एक सीवर सिस्टम पर आएगा, जो आप देख रहे हैं सीवर सिस्टम पे हम लोग उसे छनाई करेंगे। छनाई करने के बाद में जो हमको पार्टिकल साइज है, मान लीजिए हम 4 mm का दाना बना रहे हैं तो 40 mesh की जाली लगाएंगे, 3 mm का दाना बना रहे हैं तो हम 42 mesh की, 2 mm का दाना बना रहे हैं 55 mesh की, और 1 mm का दाना बना रहे हैं तो 60 की या 62 mesh की जाली लगा करके हम लोग छनाई कर सकते हैं। और यहाँ से निकलने वाला जो पाउडर रहेगा फाइन पाउडर, उसको हम लोग ले जाएंगे मिक्सचर में, और जो कोर्स पाउडर रहेगा उसको हम लोग डाल देंगे दोबारा से रीग्राइंडिंग के लिए। ये आप देख रहे हैं ये फाइन मिल है। तो इस तरह से एक कोर्स मिल, एक फाइन मिल और एक सीवर के सिस्टम से हम लोग आसानी से मटेरियल की ग्राइंडिंग कर सकते हैं और हमारी जो डिजायर्ड मैश साइज है, यानी जितना हमको बारीक पाउडर चाहिए वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके आगे सीधा मिक्सिंग से लेकर के फाइनल एक्सट्रूजन सेक्शन की ओर। तो दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं ये मिक्सिंग सेक्शन है, यानी कि हमारा जो फाइन पाउडर रहेगा वो हम लोग इस मिक्सचर में डालेंगे, इस मिक्सचर में हम लोग उसमें पानी भी डालेंगे और साथ साथ मेडिसिन भी डालेंगे, और इसको 10 से 15 मिनट का समय देंगे ताकि ये पूरा मिक्स हो चुके। मिक्सिंग होने के बाद में हम लोग यहाँ का जो प्रोडक्ट निकलेगा उस प्रोडक्ट को सीधा हम लोग एक्सट्रूजन सेक्शन में ले जाएंगे। ये आप देख रहे हैं मिक्सिंग, ये एक रिबन ब्लेंडर मिक्सिंग है जो ब्लेड से मिक्सिंग हो रही है। सारा मटेरियल फीडिंग करने के बाद में इसमें हम लोग पाउडर डाल देते हैं और दवाइयाँ डाल देते हैं, और इससे एक प्रॉपरली मिक्सिंग होने के बाद
यहाँ से जो मटर निकलेगा उसको हम लोग सीधा ऑटोमेटिक तरीके से एक्सट्रूजन सेक्शन में ले आएंगे और वहाँ से एक्सट्रूजन में बाय मैनुअल हम लोग फीडिंग करेंगे। दोस्तों ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये एक्सट्रूडर है, ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर है, लगभग 500 केजी पर आवर का एक्सट्रूडर है। तो PMMSY के अंदर जो लोग 8 टन पर डे पर अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए प्लांट बहुत सूटेबल है। 8 टन पर डे के लिए हम 500 केजी पर आवर का प्लांट सजेस्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं इसका फीडिंग हॉपर है, एक्सट्रूडर का फीडिंग हॉपर है। और आप अगर इस एक्सट्रूडर को अंदर से देखेंगे तो उसमें देख सकते हैं कि ट्विन स्क्रू कैसा कहलाता है। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर डबल स्क्रू है, दो स्क्रू चल रहे हैं इसके अंदर। और ये दोनों स्क्रू जो हमारा फीडर से निकलने वाला माल है उसको लेकर के सीधा एक्सट्रूडर के चैम्बर में ले जा रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये फीडर है, यहाँ पर हम लोग मटर को फीडिंग कर रहे हैं और फीडिंग यहाँ से जो मटेरियल है वो सीधा हमारा एक्सट्रूडर के चैम्बर में आ रहा है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि 8 ट्रिप पड़ने में हम लोग जो एक्सट्रूडर दे रहे हैं वो 1, 2, 3 चैम्बर का एक्सट्रूडर है। और ये जो आप देख रहे हैं 3 चैम्बर का एक्सट्रूडर है, 1, 2, 3। यहाँ पर ये टेम्परेचर को मेजरमेंट के लिए टेम्परेचर मीटर लगे हुए हैं। ये आप जो ऊपर स्टीम लाइन देख रहे हैं ये इसके चैम्बर में स्टीम डालने के लिए लाइन लगी हुई है जो कि एक बॉल वॉल से कंट्रोल्ड है। और जो स्टीम को कंडेंसेट होने के बाद जो पानी बचेगा वो यहाँ से निकल जाएगा। तो आप ये जो एक्सट्रूडर देख रहे हैं इसके अंदर मेन मोटर जो लगी हुई है जो पीछे लगी हुई है वो 50 HP की लगी हुई है, फीडर मोटर 3 HP की लगी हुई है और कटर मोटर भी 3 HP की ही लगी हुई है। यहाँ से जो मोटर निकलता है वो बाय एयर कन्वेयर, ये एयर कन्वेयर से सीधा मोटर जो है ऊपर जाएगा लिफ्ट में और लिफ्ट से जो मटेरियल है वो सीधा आएगा हमारा ड्रायर सेक्शन में। ये ड्रायर सेक्शन में हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिक हीटिंग यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग से हम लोग एक्सपोर्टर से जो माल निकल रहा है उसका मॉइस्चर लगभग 8 से 10% नीचे डाउन करेंगे और डाउन करके इसको एक सेफ फॉर स्टोरेज यानी कि 10 से 12% मॉइस्चर पे सेट करके लेके आएंगे। ये डबल स्टेज ड्रायर है यानी कि एक स्टेज पे पहले 5 डिग्री डाउन होगा, दूसरे स्टेज पे फिर 5 डिग्री डाउन होगा। और ये दूसरा जो ड्रायर है ये इंश्योर कर देता है कि हमारी जो मॉइस्चर है वो कम से कम आ गई है। और यहाँ से जो निकलने वाला मटेरियल है दोनों ड्रायर से ये सीधा फिर हमारा जाएगा कन्वेयर के ऊपर और कन्वेयर से हम लोग इसको ले जाएंगे फ्लेवरिंग मिक्सचर के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये फ्लेवरिंग मिक्सचर है और ये यहाँ पर जो देख रहे हैं आप ये ऑयल का कोटिंग अरेंजमेंट है, ऑयल स्प्रिंग अरेंजमेंट है। यहाँ से इस पूरे स्क्रू के अंदर, इस पूरे मिक्सचर के अंदर हम लोग मिक्सिंग करेंगे, कोटिंग करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे साथ में किस तरह से इसके ऊपर कोटिंग होती है और ये कोटिंग करके मटेरियल आगे बढ़ता जाता है और आगे बढ़ के हम फिर इसको ले जाते हैं ग्रेडिंग सेक्शन पर। ये ग्रेडर सेक्शन है जहाँ पर कि मटेरियल ग्रेड हो रहा है और यहाँ से हमको हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है जिसको हम चाहें तो आगे पैक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से एक छोटी सी जगह के अंदर, जैसे अगर मैं बात करूँ इस पूरे प्लांट की तो ये पूरा प्लांट हमने 2000 स्क्वायर फुट में लगाया हुआ है और ये प्लांट मैनुअल कम सेमी ऑटोमेटिक स्टेज का है। इस प्लांट को लगाने के लिए हमने 2000 स्क्वायर फीट जगह ली है, रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट को रखने के लिए भी हमने 2500 स्क्वायर फीट जगह ली है। तो इस तरह से मिलाकर के
5000 स्क्वायर फीट से लेकर 7000 स्क्वायर फीट के अंदर आप 8 टन पर डे का प्लांट आसानी से लगा सकते हैं, यानी कि 500 केजी पर आवर का प्लांट आप आसानी से लगा सकते हैं। और एक बेहतरीन क्वालिटी का फ्लोटिंग फिश फीड जो कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये फ्लोटिंग फिश फीड आप जो देख रहे हैं ये किसी भी कंपनी बड़ी कंपनी के फीड से आप कंपेयर कर लीजिए, कहीं कम नहीं है, आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस पूरे वीडियो में देखा होगा कि आखिर किस तरह से एक छोटी सी जगह के अंदर आप एक फ्लोटिंग फिश फीड का प्लांट प्लान कर सकते हैं और उस प्लांट से आप अपने खुद की आवश्यकता के लिए फीड या अपने आसपास के लोग या अपने गांव के शहर के फार्मर्स की फीड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। और इस तरह से आप एक बड़ी मात्रा में जो पैसा आपके स्टेट से आपके फार्मर की जेब से आपकी जेब से बाहर स्टेट्स को जा रहा है, बाहर बड़े एंटरप्रेन्योर्स को जा रहा है, उस पैसे को आप बचा सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं और एक आसानी से फीड प्लांट प्लान करके आप सोसाइटी को हेल्प कर सकते हैं ताकि उस सेविंग से वो आगे ग्रो कर पाए। तो जैसा कि मैंने बताया इस पूरे प्लांट को चलाने के लिए आपको 7 मेजर स्टेप बताई। पहला रॉ मटेरियल मिक्सिंग, रॉ मटेरियल मैंने आपको बताया व्हीट फ्लोर, मस्टर्ड डीओसी, सोया डीओसी, मेज, राइस, राइस ब्रान, राइस पॉलिश, DORB, DDGS, फिश मिल, फिश ऑयल, ये रॉ मटेरियल आप प्लानिंग कीजिए, रॉ मटेरियल प्रोक्योर कीजिए, उनको मिक्सिंग कीजिए, उनको फोर्स फाइन और सीवर, फोर्स ग्राइंडर, फाइन ग्राइंडर और सीवर, उनसे ग्राइंडिंग कीजिए, उसके बाद उनको मिक्सिंग कीजिए वाटर और मेडिसिन, उसके बाद आप एक्सट्रूडर कीजिए, एक्सट्रूडिंग के बाद उसको ड्राई कीजिए, ड्राई करके आप उसको कोटिंग कीजिए और कोटिंग करके पैक कर दीजिए। इन 7 छोटे स्टेप से आप आसानी से एक 8 TPD का या उससे भी बड़ा प्लांट प्लान कर सकते हैं। इस प्लांट को चलाने के लिए आपको 4 लेबर और 1 स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता है जो कि आसानी से मिल जाते हैं। ऑपरेटर में हम आपकी मदद कर सकते हैं लेकिन लेबर आपको लोकल अरेंज करनी पड़ेगी। और आसानी से इस पूरे तरीके से आप लोकलाइज लेवल पे अपने पूरे प्लांट को मैनेज कर सकते हैं, यानी चला करके प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। दोस्तों ये तो बात हुई पूरे प्लांट की। इस प्लांट के कई मॉडल हैं, अगर आप बात करेंगे मैनुअल, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, तो किसी भी तरह के प्लांट का मॉडल हमारे पास 100 किलो पर आवर, 250 केजी पर आवर, 300 केजी पर आवर, 400 केजी पर आवर, 800 केजी पर आवर, 1000 केजी पर आवर, 1500 केजी पर आवर, 2000 केजी पर आवर, 2500 केजी पर आवर, 3000 केजी पर आवर, 5000 केजी पर आवर और 10000 केजी पर आवर, इस तरह के मॉडल हमारे पास अवेलेबल हैं। आप हमारी किसी भी फैक्ट्री पर जो कि नॉर्थ इंडिया के लिए कोटा में और बनारस में स्थित है, साउथ इंडिया के लिए हैदराबाद में स्थित है, वेस्ट इंडिया के लिए पुणे में स्थित है और ईस्ट इंडिया के लिए गुवाहाटी में स्थित है, आप किसी भी फैक्ट्री पर जाकर हमारी मशीन्स का अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, कोटेशन ले सकते हैं, रेट ले सकते हैं और फाइनलाइज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जिस प्लांट को अभी हम देख रहे हैं इस रनिंग प्लांट में आपको आना है, देखना है और फाइनल करना है, तो आप किसी भी समय हमारा इस प्लांट में आ सकते हैं। यहाँ पर अपने आप अपने आँखों के सामने प्रोडक्ट को बनते हुए देख सकते हैं और अपने प्लांट को फाइनल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हमारी आपकी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपके जितने भी मित्र हैं, जितने भी फार्मर भाई हैं, किसान भाई हैं जो कि एक फिश फीड प्लांट को लगाना चाहते हैं या फिश फीड की बढ़ती हुई लागत से चिंतित हैं, उनको आप हमारे वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी इस तरह के प्लांट को प्लान कर सकें और अल्टीमेटली आप लोग सब इस प्लांट के लगा करके अपनी फीड पर लगने वाली लागत को कम से कम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस वीडियो को आगे से आगे शॉर्ट कीजिए। आप आने वाले 3 महीने के अंदर फिश फीड का सीज़न चालू हो रहा है, फिश कल्चर का सीज़न चालू हो रहा है, उससे पहले अपने फिश फीड प्लांट को प्लान कीजिए। हमारे यहाँ पर अगर आप आते हैं और फिश फीड फैक्ट्री को ऑर्डर करते हैं तो हम 1 से 1.5 महीने में प्लांट को डिलीवर कर देते हैं छोटे प्लांट को, और बड़े प्लांट हम आपको 3 महीने में चला के दे सकते हैं। तो अभी सही समय है, अभी हम लोग दिसंबर की स्टार्टिंग में, आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने में आपका कोई भी प्लांट, चाहे वो आपका 250 केजी पर आवर से लेकर के 5 टन पर आवर का प्लांट है, तो प्लान कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसलिए आप देरी मत कीजिए, अपने कदम बढ़ाइए हमारी फैक्ट्री की ओर जो कि है कोटा, बनारस, पुणे, हैदराबाद और गुवाहाटी में। आप यहाँ पर आइए, इंक्वायर कीजिए और अपने मशीन को ऑर्डर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद प्रोवेक, थैंक यू सो मच।